सिविक के बैरिस्टर बाबू में, जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि संपूर्णा बिनॉय से शादी कर चौधरी हाउस में एंट्री लेती है, जहां उनके एंट्री लेते ही सभी घर वाले काफी शॉक हो जाते हैं। संपूर्णा ने अपनी शादी का ब्लेम पूरा त्रिलोचन पे लगा दिया है। उसने कहा कि काका ससुर ने गुंडों को भेजा था, जिसके कारण बिनॉय ने संपूर्णा से शादी कर ली है। वही ये सुनकर अनिरुद्ध अपने काका पे काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपने पिता बिनॉय पे काफी गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ये सब संपूर्णा का एक चाल है, जहाँ संपूर्णा बिनॉय को रूम में जाकर धमकी देती हुई नजर आती है। जहाँ संपूर्णा कहती है बिनॉय को कि अगर वो सच सभी घर वालों के सामने बता दे कि उस रात का, तो सभी घर वाले उसे नफरत करने लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वंदिता काका ससुर को मनाने जाती है। जहाँ वंदिता का मानना है कि उसकी संपूर्णा दीदी एक अच्छी बहू बन सकती है। जहाँ ये सुनकर त्रिलोचन कहते हैं कि संपूर्णा में वो गुण नहीं दिख रहे हैं जो गुण वंदिता में है। अब देखना ये है कि संपूर्णा कितने सारे नए ड्रामा क्रिएट करेगी चौधरी हाउस में।